हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज टेकीराग पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार हमारी इमेजेस के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। हम अपनी पिक ले रहे हैं तो पीछे कोई और आ गया। इसके अलावा काफी सारी ऐसी पिक्स हो जाती हैं, तो आप उन चीजों को कैसे रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कुछ आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है और बिना फोटोशॉप के। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो। तो लगाते हैं हमारी इंट्रो और शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन है वो है इनपेंट, आपके डेस्कटॉप पे चलेगी, यानी कि आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप पर चलेगी। इसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जब उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको परचेज करने के लिए भी बोला जाएगा, लेकिन आप उसमें जो फ्री वर्जन है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है, आप किसी के लिए भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ओपन का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आप इस ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी पिक ओपन करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पिक सिलेक्ट की है वो ये वाली पिक है। इसमें मैं ये बच्चे को गायब करूँगा, तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आप कैसे इसे गायब कर सकती हैं। तो देखिए, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह की आपके सामने रेड कलर का सर्कल आ चुका है। फ्रेंड्स, ये एक मार्कर है। यहाँ पर इसके कुछ टूल्स है, देखिए मार्कर है, फिर लेसर टूल है, फिर ये जो मतलब फोटोशॉप में लेसर टूल्स होते हैं वो सारे लेसर टूल्स है। इसके अलावा ये मैजिक बैंड है और इरेजर है, और ये कुछ गाइडलाइंस अगर आप करना चाहते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले आपने मार्कर से इसे सिलेक्ट करना है। ये देखिए, जैसे मैं मतलब इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मर्जी आप सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही मैं इसको मतलब सिलेक्ट करके हटूंगा तो साथ के साथ एक ग्रीन कलर का बॉक्स आ गया। फ्रेंड्स, इस ग्रीन कलर के बॉक्स का मीन्स ये है कि ये आस पास से, मतलब कि जितना ये ग्रीन बॉक्स है इतने एरिया में से कुछ पार्ट लाएगा और उसको इस रेड कलर के एरिया में मर्ज कर देगा। इससे होगा क्या कि जो रेड कलर का एरिया है वो गायब हो जाएगा और आसपास वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसे बहुत छोटा रखें, क्योंकि ये देखिए अब ये समुंदर वाला जो पानी है उसके अंदर से लाएगा। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ इरेज पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इस तरह आ गई। ये पिक अच्छी लग रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ज़्यादा काम करना होता है जो आसपास ज़्यादा चीज़ें होती है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ इरेज पर जाना है और ये जो ग्रीन कलर का है इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसे जो बाकी एरिया को इरेज कर देना है, बिल्कुल इसके पास पास वाला एरिया रखें ताकि ये ज़्यादा कहीं से डाटा ना लाए, मतलब ज़्यादा कहीं से एरिया ना लाए, बिल्कुल वहीं से ही लाए। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसे सेट कर दिया, अब मैं यहाँ इरेज पर क्लिक करूँगा। तो इरेज पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गायब हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गायब हो चुका है, ये पहले ऐसे था और अब ये ऐसे बन चुका है। तो अब देखिए, अब जैसे मैंने इसकी परछाई को भी गायब करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप दो तीन पार्ट्स में करें। ये देखिए, यहाँ से मार्कर सिलेक्ट करके इसको रेड कलर सिलेक्ट किया, जैसे पहले मैंने इतना पार्ट कर लिया, और अब मैं इरेज में जाके ग्रीन को छोटा कर देता हूँ। सॉरी, मैंने ज़्यादा कर दिया। तो ये देखिए, जैसे मैं इसे कम कर देता हूँ, मैं इतना रहने देता हूँ, ओके, देन इरेज करता हूँ। तो अब पहले ये पार्ट होगा, देखिए परछाई गायब हो चुकी है। इसके बाद मैं इस पार्ट पर जाऊँगा, फिर रेड कलर, फिर मैंने जैसे इतना पार्ट सिलेक्ट किया, अब इरेजर, ग्रीन कलर, और मैं ग्रीन कलर को इरेज कर दूंगा। आपने जिस कलर को इरेज करना हो उसे आपने टूल बार में से सिलेक्ट जरूर करना है, उस कलर को। तो अब देखिए ऐसे हो गया, देन इरेज। तो अब ये फिर से एनालाइज करेगा उसको और ये इरेज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप इसे दोबारा सिलेक्ट कीजिए, पहले मार्कर और देन इसे सिलेक्ट किया, अब देखिए अब इसे इरेज कर दें। तो अब जैसे इरेज करेंगे तो ये इरेज हो चुका है। अब अगेन मैं नेक्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे बॉक्स को कम करता हूँ इरेज करके। इसे मतलब आप ज़्यादा कम भी ना करिए, अगर ज़्यादा कम करेंगे तो अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। आप इसे पार्ट्स में करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप फिर से मार्कर सिलेक्ट कीजिए और इसे फिर से गायब कीजिए, फिर वही चीज़ सेम, क्योंकि मैंने इसे चार पांच पार्ट्स में किया है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद आप इरेज कर लें। तो अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो अब जैसे मैं जाता हूँ तो ये पहले था, इसके बाद ये इफेक्ट बन चुका है, ये पहले, ये अब। तो इस तरह से आप किसी भी पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसे सेव करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये सेव का ऑप्शन है,
तो आप यहाँ से इसका ये बोल रहा है कि आपको एक इसका परचेज करना होगा, इसका जो रजिस्टर्ड वर्जन है आप उसे परचेज करें। लेकिन आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसका जब स्क्रीनशॉट लेंगे आपके पीसी पर प्रिंट स्क्रीन करके, तो आप इसे कहीं भी जाकर सेव कर सकते हैं, या आप अगर इसका फुल वर्जन खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।